शिकस्त की जिम्मेदारी मेरे सर पर डालो, सुल्तान अय्यूबी ने कहा। वो अपने सालारों, नायब सालारों, कमांडरों और शहरी इंतजामिया के हुकाम से खिताब कर रहा था। उसने कहा, शिकस्त के असबाब बड़े वाजे हैं। मुझसे ये गलती हुई कि मैं नई भर्ती लेकर गया। अगर मैं ज्यादा इंतजार करता और मिस्र में बैठा रहता तो दुश्मन सारे शाम में फैल जाता। मैंने फौज की जिस कमी को नए सिपाहियों से पूरा किया है उसके मुतालिक तुम जानते हो कि उसका जिम्मेदार कौन है, लेकिन मैं अब इस बहस में वक्त जाया नहीं करूंगा कि इसका जिम्मेदार फुला है और वो गुनाह फुला ने किया। अगर जुर्म आयद करने हैं तो मुझ पर करो। फौज को मैंने लड़ाया है, अगर चालें गलत थीं तो मेरी थीं। इसका कफारा मुझे अदा करना है और मैं करूंगा। फतह और शिकस्त हर मार्के का अंजाम होता है। आज हम उस अंजाम से दो चार हुए हैं जिसके लिए तुम जहनी तौर पर तैयार नहीं थे, इसलिए तुम सबके चेहरों पर उदासी और आंखों में बेचैनी है। अगर तुम मुझे शिकस्त की सजा देना चाहते हो तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। मेरे कानों में ये आवाजें भी पहुंच रही हैं कि मेरी फौज शाम में आकर आबरूरेजी, लूटमार और शराबखोरी की आदि हो गई थी। मुझे ये भी बताया जा रहा है कि मैंने खलीफा बगदाद पर दहशतदारी करने के लिए दानिस्ता शिकस्त खाई है और मैं शिकस्त को फतह में बदल कर खलीफा को अपना मुरीद बनाने की कोशिश करूंगा। मुझे फिरौन तक कहा जा रहा है। मैं किसी भी इल्जाम का जवाब नहीं दूंगा। इन इल्जामात का जवाब मेरी जबान नहीं, मेरी तलवार देगी। मैं अल्फाज से नहीं, अमल से साबित करूंगा कि ये किसके गुनाह थे जिसकी सजा मुझे और मेरे मुजाहिदीन को मिली है। इतने में दरबान ने इत्तला दी कि हम्मात से कासिद आया है। सुल्तान अय्यूबी ने उसे फौरन अंदर बुलाया। गर्द गुबार से अटे हुए और थकन से चूर कासिद ने सुल्तान अय्यूबी को अल आदिल का पैगाम सुनाया। पैगाम खोलकर पढ़ा तो सुल्तान अय्यूबी की आंखों में आंसू आ गए। उसने पैगाम एक सालार के हाथ में देकर कहा, ये पढ़कर सबको सुनाओ। जूं जूं सालार पैगाम पढ़ता जा रहा था सबकी आंखों में चमक आती जा रही थी। सिसकियों की तरह तीन चार सरगोशियां सुनाई थी, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, ये गुनाहगारों का कारनामा है। तुम में से जो काहिरा में थे नहीं जानते कि अल आदिल के पास कितनी फौज है। तुम ये भी नहीं जानते कि बाल्डविन के पास 10 गुना ज्यादा फौज थी। उसके सवार जिरापोश हैं, उसके प्यादे लोहे के खौद पहनते हैं। क्या अल आदिल के मुजाहिदीन ने साबित नहीं कर दिया कि हम शिकस्त को फतह में बदल सकते हैं? क्या तुम मुझसे ये तवक्को रखते हो कि सर पकड़ कर बैठ जाऊं? अगली जंग की तैयारी करो, मुझे फौज की भर्ती दो। तुम्हें क़िबला अव्वल पुकार रहा है। मैं दुश्मन के साथ कोई समझौता और कोई मुआहिदा नहीं करूंगा। अल आदिल के पैगाम ने जहां सुल्तान अय्यूबी को हौसला दिया वहां तमाम सालारों वगैरह के भी मजरूह हौसले तरोताजा हो गए। उनमें से बास के दिलों में सुल्तान अय्यूबी और उसकी फौज के खिलाफ शकूक पैदा हो गए थे, वो साफ होने लगे। अल आदिल ने उसी एक मार्के पर इक्तफा नहीं किया। उसने अपने दस्तों को 30 से 40 की नफरी के जैशों में तकसीम कर दिया और उन्हें उस इलाके में ले गया जहां बाल्डविन की फौज खैमजन हो गई थी। अल आदिल ने अपने जैशों के कमांडरों को शबखून मारने और गायब हो जाने की हिदायत दी। मकसद ये था कि दुश्मन को परेशान रखा जाए ताकि वो पेशकदमी भी न कर सके और आराम से भी न बैठ सके। बाल्डविन पहले ही नुकसान उठा चुका था। वो इस इरादे से इतनी ज्यादा फौज लेकर आया था कि दमिश्क तक के इलाके पर कब्जा कर ले। अब उसकी ये हालत हो गई कि हर रात खैमागाह के किसी न किसी हिस्से पर तीरों की बौछाड़ होती या हमला होता। फौज के बेदार होने तक हमला आवर दूर निकल गए होते थे। बाल्डविन ने फौज को तमाम तर इलाके में दूर दूर फैला दिया। अल आदिल के छापामारों को पकड़ने के लिए उसने भी टोलियां तैयार की जो रात को गश्त पर रहती थीं। मगर हर सुबह बाल्डविन को ये खबर सुननी पड़ती थी कि आज फुलां कैंप पर हमला हुआ है या फुलां टोली मारी गई है। वो इलाका पहाड़ी था, उससे अल आदिल के छापामार जैश खूब फायदा उठा रहे थे, मगर ये फायदा अल आदिल को बहुत महंगा पड़ रहा था। छापामार इतनी दलेरी से शबखून मारते थे कि दुश्मन के कैंप के अंदर चले जाते और उनमें से चंद एक जाने कुर्बान कर देते। इस तरीके जंग और इस कुर्बानी से अल आदिल कोई इलाका फतह नहीं कर सकता था। वो दुश्मन को वहां से पीछे भी नहीं हटा सकता था। लेकिन ये फायदा कुछ कम न था कि सलीबियों की इतनी बड़ी फौज पेशकदमी करने के काबिल नहीं रही थी। अगर बाल्डविन पेशकदमी करता तो आमने सामने जंग में अल आदिल इतनी कलील फौज से उसके सामने दो घंटे भी न ठहर सकता। उसने बाल्डविन के कैंप में काम करने वाले मकामी लोगों में अपने जासूस भी छोड़ रखे थे। वो दुश्मन की जरा जरा सी हरकत की इत्तला अल आदिल को दे देते। एक बार उन जासूसों में से एक ने सलीबियों को उस खुश्क घास के पहाड़ जैसे अंबार को आग लगा दी थी जो उन्होंने घोड़ों के लिए जमा कर रखा था। अल आदिल को इत्तला मिल चुकी थी कि दमिश्क से थोड़ी सी कुमक आ रही है। हलब से कुमक मिलने की तवक्को नहीं थी। अल मलिक अल सौले ने पैगाम का जवाब दिया था कि सलीबी फ्रैंक्स
यानी फिरंगी कला हरान को महासरे में लेना चाहते हैं। अगर उन्होंने ऐसा ही किया तो उन पर हलब की फौज से हमला किया जाएगा। चंद एक यूरोपीय मौरखीन ने सलीबी जंगों के इस दौर के मुतालिक लिखा है कि रमल्ला की शिकस्त के बाद इस्लामी फौज को खत्म कर दिया गया। उसके जो दस्ते बच गए थे उन्होंने लूट मार को पेशा बना लिया। वो सलीबियों के फौजी काफिलों को लूट लेते। हकीकत यह है कि लूट मार खुद सलीबी करते थे। ज्यादातर मौरख इसकी तस्दीक करते हैं। इससे पहले भी इस सिलसिले की कहानियों में मौरखों के हवाले से बयान किया गया है कि सलीबी फौज मकबूजा इलाकों में मुसलमान काफिलों को लूट लिया करती थी और ये लूटमार इस तरह की जाती थी जैसे ये कोई फौजी ड्यूटी हो। जिन मुसलमान दस्तों के मुतालिक चंद एक मौरखों ने यह लिखा है कि वो लूटमार करने लगे थे, वो अल आदिल के छापामार जैश थे जिन्होंने शाह बाल्डविन की इतनी बड़ी फौज को गोरिल्ला ऑपरेशन से एक ही इलाके में उलझा लिया था। पहले कहा जा चुका है कि शबखून यानी गोरिल्ला ऑपरेशन अल आदिल को महंगा पड़ रहा था, लेकिन उसके ट्रूप्स का जज्बा ऐसा था कि कोई सिपाही मुंह न फेरता। अक्सर जैश मुसलसल वादियों वगैरह में ही घूमते और भटकते रहते थे, अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए भी अपने अड्डे पर वापस नहीं आते थे। असदुल असदी की गैर मतबूआ तहरीरों के मुताबिक वो चीतों की तरह शिकार की तलाश में रहते थे और जब शिकार पर झपटते थे तो उन्हें अपनी जाने चली जाने का कोई गम न होता। वो दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश में शहीद और शदीद जख्मी हो जाते। उनकी रातें दश्तो बयाबां में गुजरती और वो मनपसंद खानों से अपने आप को महरूम रखते। मगर काहिरा में ये प्रोपेगेंडा बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा था कि अपनी फौज बदकार और अय्याश हो गई है और रमल्ला की शिकस्त उसी की सजा है। काहिरा की इंटेलिजेंस को ये पता नहीं चलता था कि ये प्रोपेगेंडा कहाँ से उठ रहा है। क्या ये नए सिपाहियों की गैर मोहतात बातों का नतीजा है या दुश्मन के बाकायदा एजेंट सरगर्म है? ये भी देखा गया कि लोग फौज में भर्ती होने से हिचकिचाते थे। इस शिकस्त से पहले मिस्रियों का रवैया ये नहीं था। अली बिन सुफियान और गयास बिलबीस ने अपने मुखबरों और जासूसों का जाल बिछा दिया, मगर इसके सिवा कुछ पता नहीं चलता था कि लोग फौज को बदनाम कर रहे हैं। सुल्तान अयूबी के खिलाफ भी बातें सुनी सुनाई जाने लगी थी। वो स्याह हरीश सफेद पोश जो दो बेटियों के साथ एक गाँव में ठहरा था वहीं का होकर रह गया। गाँव वालों ने उसे एक मकान दे दिया। उसने खुली महफिल में बैठने और बातें करने से परहेज शुरू कर दिया था कि उसे मिस्रियों के गुनाह माफ कराने के लिए 3 माह का चिल्ला करना है। वो अब मकान से बाहर थोड़ी सी देर के लिए निकलता, खामोश रहता, हाजरीन को हाथ लहरा कर सलाम करता और अंदर चला जाता। उसके खास मसाहिबों में वही सिपाही थे जो उसके साथ आए थे और दो वो आदमी थे जिन्होंने टीलों के इलाके में उसके आगे सजदा किया था। उन सब ने उसकी इतनी तशहीर कर दी थी कि दूर के लोग भी उसकी झलक देखने को पहुंच जाते। एक शाम अली बिन सुफियान का एक जासूस अपनी खुफिया ड्यूटी पर काहिरा के मजाफात में किसी बहरूप में घूम फिर रहा था। शाम हो गई, वो नमाज पढ़ने के लिए एक मस्जिद में चला गया। नमाज के बाद इमाम ने दुआ मांगी। दुआ खत्म हुई तो एक नमाजी ने रमल्ला की शिकस्त की बात शुरू कर दी। उसने सुल्तान अय्यूबी की फौज के खिलाफ वही बातें की जो स्याह हरीश ने की थी। इस नमाजी ने स्याह हरीश का हवाला इस तरह दिया कि वो गैबदान है और जिन्नात उसे रिस्क पहुंचाते हैं। उसने सफर की पूरी रोएदाद सुनाई और बताया कि किस तरह गैब से उन्हें पानी और खजूरें मिली थीं। तमाम नमाजी इन्हेमाक से उसकी बातें सुनते रहे। उसने बात खत्म की तो नमाजियों ने उससे इस किस्म की बातें पूछनी शुरू कर दी। वो मुरादें पूरी करता है, लाइलाज मरीजों को शिफा देता है, आने वाले वक्त का हाल बताता है, औलाद देता है। सुनाने वाले ने उन्हें बताया कि अभी वो सबको यही एक बात बताता है कि सुल्तान अय्यूबी और उसकी फौज में फिरौन वाली खसलतें पैदा हो गई थीं और शिकस्त की वजह वही है, और वो ये भी बताता है कि ना खुद फौज में भर्ती होना ना किसी को होने देना वरना नुकसान उठाओगे, क्योंकि गुनाहों की सजा का अभी वक्त पूरा नहीं हुआ, और ये भी कि वो 3 माह का चिल्ला कर रहा है। उसके बाद वो बताएगा कि मिस्र वालों के गुनाह बख्शे गए हैं या नहीं। ये आदमी मस्जिद से निकलकर गांव से बाहर को चल पड़ा। अली बिन सुफियान का जासूस उसके पीछे गया और उससे पूछा कि वो इस आलिम से किस तरह मिल सकता है। उसने अपना मुद्दा यूं बयान किया, बोला मैं फौज में हूं, तुम्हारी बातें सुनकर मेरे दिल में ये डर पैदा हो गया है कि अपनी फौज के गुनाहों की सजा मुझे भी मिलेगी। मैं भी दमिश्क और हलब के महाजों पर गया था, मैंने भी वही गुनाह किए हैं जिनका जिक्र तुम कर रहे थे। मुझे उस आलिम बुजुर्ग के पास ले चलो, अगर वो कहेगा कि फौज से भाग जाओ तो भाग जाऊंगा, वो जो खिदमत कहेगा करूंगा, मैं खुदा के कहर से डरता हूँ। उसने इतनी मिन्नत समाजत की कि उसके आंसू निकल आए। उस आदमी ने कहा मेरे साथ चलो, लेकिन किसी से जिक्र न करना कि तुम उसके पास गए थे, वो आजकल चिल्ले में है, किसी से बात नहीं करता।
वो जो पूछे सिर्फ उसका जवाब देना, फालतू बात ना करना। जासूस ने पूछा, तुम इसी गांव के रहने वाले हो, तुमने बताया था कि तुम रमल्ला के महाज से आए हुए सिपाही हो। सिपाही ने कहा, इसीलिए तो मैं कुरान पर हाथ रख कर कह सकता हूँ कि ये बुजुर्ग खुदा के मसाहिबों में से हैं। मैंने मैदान जंग का कहर देखा है और मैंने सफर का कहर भी देखा है, लेकिन इस बुजुर्ग ने रेगजार को गुलजार बना दिया। मैं अब फौज में वापस नहीं जा रहा। गांव दूर नहीं था, वो बातें करते पहुंच गए। रात गहरी हो चुकी थी। सिपाही ने जासूस को अंधेरे में खड़ा रहने को कहा और उस मकान में चला गया जहां स्याहरीश सफेद पोश रहता था। थोड़ी देर बाद वापस आया। सिपाही ने कहा कि वो पीछे वाले दरवाजे से अंदर चला जाए। वो खुद उसके आगे आगे चल पड़ा और दोनों दरवाजे में दाखिल हो गए। ड्योड़ी से गुजरे, सहन से गुजरे और एक कमरे में दाखिल हो गए। सहन में रोशनी थी। दोनों लड़कियां जिन्हें स्याहरीश ने अपनी बेटियां बताया था एक और कमरे में थी। उन्हें जब सहन में कदमों की आहट सुनाई दी तो दोनों ने दरीचे का किवाड़ जरा सा खोल कर देखा। एक लड़की इतनी चौंकी कि उसके मुंह से आह निकल गई। दूसरी लड़की ने पूछा, क्या हुआ, कौन है ये? उसने जवाब दिया, शायद मुझे धोखा हुआ हो, मैंने इस शख्स को कहीं पहले भी देखा है। और वो गहरी सोच में खो गई। जासूस ने कमरे में जाकर स्याहरीश के आगे सजदा किया, उसके पांव पर माथा रगड़ा। वो फर्श पर दर्री बिछा कर बैठा हुआ था। जासूस ने गिड़गिड़ा कर इल्तजा की कि उसे गुनाहों की बख्शिश दिलाई जाए। उसने वही बातें की जो वो सिपाही के साथ कर चुका था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। स्याहरीश ने अपनी तस्बीह उसके सर पर फेरी और मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखा। जासूस ने आंसू बहाते हुए कहा, इससे मेरी तस्कीन नहीं होगी, अपनी जबान से मुझे तस्कीन दें, मुझे कोई हुक्म दें जो मैं बजा लाऊं, मुझे हुक्म दें कि मेरा जो एक बच्चा है उसे आपके कदमों में ज़िबाह कर दूं, मुझे हुक्म दें कि सुल्तान अय्यूबी को कत्ल कर दूं, मैं आपका ये हुक्म भी बजा लाऊंगा। कुछ बोलें, कुछ कहें, फिर देखें मैं क्या करता हूं। एक और आदमी अंदर आ गया और वो जासूस की बातें गौर से सुन रहा था और उसे बड़ी गहरी नजरों से देख रहा था। उसने जासूस से कहा, तुम इतने बेजार और बेताब क्यों हुए जा रहे हो, तुम अब मुर्शिद के साए में आ गए हो। जासूस ने कहा, मेरे गुनाह इतने घिनौने हैं जो मुझे रातों को सोने भी नहीं देते। मैंने हमाद के करीब एक गांव में एक मुसलमान घराने की लड़की को अगवा करने के लिए लड़की के जवान भाई को कत्ल कर दिया था। अगर मैं फौज में ना होता तो मुझे जल्लाद के हवाले कर दिया जाता, लेकिन मुझे किसी ने पूछा तक नहीं। स्याहरीश ने आंखें बंद कर ली, उसके होंठ हिल रहे थे। उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए, फिर जासूस की तरफ इशारा किया। जरा देर बाद वो मुस्कुराया और उसने आंखें खोल दी। जासूस से बोला, बहुत मुश्किल से तुम्हारे साथ बात करने की इजाजत ली है, गौर से सुनो, हम तुम्हारे गुनाह बख्शवा देंगे। तुम कल फिर यहां आओ, किसी के साथ जिक्र न करना, वरना तुम्हारे खानदान का अंजाम बहुत खौफनाक होगा। यह आदमी तुम्हें गांव से बाहर मिलेगा और मेरे पास ले आएगा। तुम्हारे माथे पर लिखा है कि तुम्हारे गुनाह बख्शे जाएंगे, बल्कि तुम्हें और तुम्हारे खानदान को इतना रिस्क हलाल मिलेगा जो तुमने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा। अब चले जाओ, कल आ जाना। स्याहरीश फिर मुराकबे में चला गया। सिपाही ने और दूसरे आदमी ने जासूस को उठाया और सहन में ले जाकर उसे स्याहरीश की ऐसी मौजनुमा बातें सुनाई जिन्होंने जासूस को मसहूर कर लिया। दोनों लड़कियां दरीचे के किवाड़ की ओट से उसे देख रही थीं। जो लड़की उसे पहली बार देखकर चौंकी थी उसने दूसरी लड़की से कहा, इसे मैंने पहले भी कहीं देखा है, ये धोखा नहीं, वही है। ये जासूस अपने महकमे के हाकिम आला अली बिन सुफियान को बता रहा था। वो बोला, ये वही मामला मालूम होता है जो हम पहले भी पकड़ चुके हैं, वही मराकबा, चिल्ला, जन्नात और लोगों के जज्बात को कब्जे में लेकर उन पर अपना जादू चलाना। अपनी फौज का जो सिपाही मुझे उसके पास ले गया था वो सिर्फ फौज के खिलाफ बातें करता था, वो इस कसम की बातें मस्जिद में नमाजियों के साथ कर रहा था। उसने मेरे साथ जो बातें की उनसे पता चलता था कि उसके साथ और भी कई साथी हैं और वो मस्जिदों में जाकर नमाजियों को फौज के खिलाफ उकसाते हैं, महाज की झूठी बातें सुनाते हैं और जोर इस पर देते हैं कि फौज में भर्ती होना गुनाह है। अली बिन सुफियान ने कहा, इन्हें ऐसी बातें मस्जिदों में ही करनी चाहिए, मस्जिद में कही हुई बात को लोग वही का दर्जा देते हैं, लोग जज्बात के गुलाम हैं, उसी को मुर्शिद मान लेते हैं जो उनके जज्बात को पहले भड़काए फिर अल्फाज में उनकी तस्कीन कर दे। तुम कल फिर वहां जाओ, मुझे वो गांव और मकान समझा दो, इधर उधर देखकर ज्यादा से ज्यादा मालूमात लाने की कोशिश करना, तुम्हारी लाई हुई इत्तला के बाद हम वहां छापा मारेंगे। जासूस ने कहा, मुझे डर है छापे से वहां के लोग मुश्तइल हो जाएंगे। सिपाही ने बताया था कि लोगों का बच्चा बच्चा उसका मुरीद हो चुका है और दूर दूर से लोग उसकी जियारत के लिए आते हैं। अली बिन सुफियान ने कहा, हमें लोगों के साथ नहीं चलना,
लोगों के जज्बात का ख्याल सिर्फ वो हुक्मरान रखा करते हैं जो उन पर हुकूमत करना चाहते हैं। ऐसे हुक्मरान लोगों के जज्बात से खेला करते हैं ताकि रियाया खुश रहे और उनके आगे सजदे करे। हमें सल्तनत इस्लामिया और उन्हीं लोगों के वक़ार का तहफ्फुज़ करना है। हम उन लोगों को हकीकत दिखाएंगे। हम उन्हें सुल्तान अय्यूबी का गुलाम और मुरीद नहीं बनाना चाहते। हम उन्हें बताना चाहते हैं कि इस्लाम के पासवान तुम भी उतने ही हो जितना तुम्हारा सुल्तान है। हम उन्हें इस्लाम का दुश्मन दिखाएंगे। हम कौम पर जज्बात परस्ती का नशा तारी करके उसे सुलाना नहीं चाहते। कौम को हकायक के झटके देकर जगाना है। तुम जाकर वो देखो जो तुम्हें अभी नजर नहीं आया। जासूस के वहां जाने का वक्त रात का था। अली बिन सुफयान ने भेस बदला और उस गांव में चला गया। उसने मकान भी देख लिया और उसने लोगों की अकीदत मंदी की बेताबियां भी देख ली, लोगों की बातें भी सुनी। फौज के खिलाफ तूफान उठाया जा रहा था। अली बिन सुफयान ने मकान के पिछवाड़े को दूर से देखा। वहां छोटा सा एक दरवाजा था जो बंद था। वहां दरख्त थे और दाएं बाएं दो मकानों के पिछवाड़े थे। उस तरफ कोई इंसान नहीं था। हुजूम मकान के सामने था। दरवाजा खुला और एक सफेद रीश आदमी पुराने से चुगे में मलबूस दरवाजे से निकला। अली बिन सुफयान ओट में हो गया। उसने खुले हुए दरवाजे में एक जवान लड़की को खड़े देखा। लड़की ने फौरन दरवाजा बंद कर लिया। सफेद रीश आदमी हाथ में लाठी लिए झुका झुका गांव से निकल गया। अली बिन सुफयान उसे देखता रहा। दूर जाकर वो रुक गया और इधर उधर देखने लगा। एक तरफ से एक घुड़सवार आया। सफेद रीश आदमी घोड़े पर सवार हो गया और काहिरा की तरफ चला गया। जो आदमी घोड़ा लाया था वो गांव की तरफ चला गया। अली बिन सुफयान अपने घोड़े पर सवार हुआ और सफेद रीश सवार के पीछे गया, मगर फासला रखा। सफेद रीश ने कई बार पीछे देखा। अली बिन सुफयान उसके पीछे जाता रहा। आगे जाकर सफेद रीश ने काहिरा के रास्ते की बजाय घोड़ा दूसरे रास्ते पर डाल दिया। रफ्तार मामूली थी। अली बिन सुफयान ने भी घोड़ा उसी रास्ते पर डाल दिया। काहिरा शहर नजर आ रहा था, दूर नहीं था। इधर उधर एक एक दो दो झोंपड़े या खेमे नस्ब थे। कहीं खानाबदोशों ने डेरे डाल रखे थे। सफेद रीश सवार ने कई रास्ते बदले और वो पीछे देखता रहा। अली बिन सुफयान उसके पीछे रहा। सफेद रीश की बेचैनी साफ जाहिर होने लगी थी। आखिर उसने काहिरा का रुख कर लिया और घोड़े की रफ्तार जरा तेज कर ली। अली बिन सुफयान ने भी बागों को झटका दिया, हल्की सी एड़ लगाई और घोड़े की चाल बदल कर तेज हो गई। फासला 15-20 कदम रह गया। वो अब शहर में तकरीबन दाखिल हो चुके थे। सफेद रीश सवार ने घोड़ा रोक लिया और अली बिन सुफयान के रास्ते में हो गया। अली बिन सुफयान ने भी घोड़ा उसके करीब जाकर रोका। सफेद रीश सवार ने कहा, तुम कोई रहसन मालूम होते हो। ये कहकर उसने खंजर निकाल लिया। मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? अली बिन सुफयान ने देखा कि उसकी सफेद दाढ़ी से उसकी उम्र 70 बरस से ऊपर लगती थी, मगर चेहरा, आंखें और दांत बताते थे कि 40 से बहुत कम है। अली बिन सुफयान भी बहरूप में था। उसने अपने कमरबंद से 1.25 गज लंबी तलवार लटका रखी थी जो उसके चुगे में छुपी हुई थी। उसने फुर्ती से तलवार निकाल ली। दाढ़ी उतार दो, उसने सफेद रीश के पहलू में तलवार रख कर कहा, और मेरे आगे आगे चल पड़ो। सफेद रीश की आंखें ठहर गईं। अली बिन सुफयान ने तलवार की नोक उसकी कनपट्टी पर रख कर दाढ़ी में उलझाई और झटका दिया। वहां से दाढ़ी चेहरे से अलग हो गई, आधा चेहरा नंगा हो गया। अली बिन सुफयान ने अपनी दाढ़ी उतार दी और बोला, हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, चलो चलें। वो शहरी इंतजामिया का कोई आला हाकिम तो नहीं था, लेकिन छोटा और गैर अहम भी नहीं था। मिस्र का रहने वाला था। उसके मुतालिक अली बिन सुफयान तक ये इत्तलाएं पहुंची थी कि माजूल की हुई अब्बासी खिलाफत का जमींदोज कारिंदा है। उस खिलाफत को जिसकी गद्दी काहिरा में थी, सुल्तान अय्यूबी ने 7-8 साल पहले खत्म कर दिया था। खलीफा अल आज़िद था जिसने हशीशीन, सलीबियों और सूडानियों के साथ गठजोड़ कर रखा था। सुल्तान अय्यूबी ने नूरुद्दीन जंगी मरहूम के साथ बात करके उस खिलाफत को माजूल किया और इमारत मिस्र को खिलाफत बगदाद के तहत कर दिया। माजूल शुदा खिलाफत अब्बासिया के पैरोकार अभी तक जमींदोज कार्रवाइयों में मसरूफ थे। रमल्ला की शिकस्त उनके लिए जर्री मौका था। चुनाचे सुल्तान अय्यूबी और उसकी फौज को बदकार, अय्याश, लुटेरी और शिकस्त का जिम्मेदार साबित करने की मुहिम में अब्बासी खुफिया तरीकों से सरगर्म हो गए थे। अली बिन सुफयान ने उस आदमी को हिरासत में ले लिया और अपने उस कैद खाने में जा बंद किया जहां वो मुलजिमों से इब्तदाई तफ्तीश किया करता था।